वेलकम टू माय चैनल बीसी फार्मासिस्ट बेबी। मेरा नाम है बेबी और आज का हमारा टॉपिक है सब्जा सीड्स। तो दोस्तों, बहुत से लोगों को सब्जा सीड्स होता क्या है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं इनकी जानकारी नहीं है। तो दोस्तों, सब्जा सीड्स जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, यानी कि गुणकारी होता है, और ये हमें बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। जैसे कि हमारे वजन को घटाने में और ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में, स्किन और हेयर को हेल्दी रखने में, और कब्ज, एसिडिटी और बहुत सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है, जिसकी जानकारी मैं आपको आगे वीडियो में दूंगी। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर ले सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक, शेयर, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन बेल को ऑल करें, ताकि ऐसी ही मेरी नई नई वीडियोस आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, सब्जा सीड्स के बारे में अगर आपको मैं एक सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं कि सब्जा सीड्स होता क्या है, तो आप लोगों ने कभी ना कभी फालूदा तो खाया ही होगा। तो फालूदा में जो सीड्स डाले जाते हैं उसे सब्जा सीड्स कहा जाता है। सब्जा सीड्स बेसिकली तुलसी के बीजों को ही कहा जाता है। तुलसी की हज़ारों प्रजातियाँ पाई जाती हैं और हम जिस सीड्स को खाने में प्रयोग करते हैं वो स्वीट बेसिल यानी कि मीठी तुलसी के बीज होते हैं। तुलसी के कई तरीके के बीज होते हैं जिसे हम खाने में यूज़ नहीं करते हैं, और जिसे हम खाने में यूज़ करते हैं वो मीठी तुलसी के बीज होते हैं, जिन्हें हम सब्जा सीड्स कहते हैं। तुलसी से अलग ये बीज भारत में पाए जाते हैं और अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, जैसे कि स्वीट बेसिल, सब्जा सीड्स, तुलसी के बीज, तुकमलंगा, तुकमरिया और फालूदा सीड्स। सब्जा के बीज प्रोटीन, मिनरल, आयरन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, इसेंशियल फैट और फाइबर से भरपूर होते हैं और इनमें कैलोरी नहीं होती है। सब्जा के बीज काले होते हैं और बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं, इसलिए इन्हें चबाना मुश्किल होता है, इसलिए इन्हें पानी में भिगोकर खाया जाता है। इससे ये जिलेटिन के जैसे बन जाते हैं और पानी में भिगोने के बाद ये अपने नॉर्मल साइज से काफ़ी ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। सब्जा सीड्स बिना भिगोए नहीं खाना चाहिए, नहीं तो ये आपके गले में फंस सकते हैं और आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बेनिफिट की बात करें तो सबसे पहला है कि ये वजन घटाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। अल्फा लिनोलेनिक एसिड से भरपूर सब्जा के बीज अपने वजन घटाने के गुणों के लिए जाने जाते हैं। ये फाइबर से भरपूर होते हैं जिससे कि ये पेट को लंबे समय तक भरा रखते हैं और अनचाहे खाने की लालसा को कंट्रोल करते हैं, जिससे कि वजन को घटाने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। वजन को घटाने के लिए एक बड़ा चम्मच सब्जा के बीज को एक गिलास गर्म पानी में भिगो दें और 15 से 20 मिनट तक इसे भीगा रहने दें, और जब ये अच्छे से पानी में भीग जाता है तब आप इसका सेवन करें। पानी में भीगने के बाद ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं और पानी इन्हें ट्रांसलूसेंट और मुलायम बना देता है। आप इन बीजों को सलाद या फिर सूप में भी छिड़क सकते हैं, या इन्हें नींबू पानी या फिर ग्रीन टी में भी मिलाकर पी सकते हैं। सब्जा सीड्स स्किन और बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। ये एंजाइमा और सोरेसिस जैसे स्किन की बीमारियों के ट्रीटमेंट में हेल्प करता है। रोजाना सब्जा सीड्स खाने से शरीर को कोलेजन पैदा करने में हेल्प मिलती है, जो कि नई स्किन सेल्स बनने के लिए ज़रूरी होता है। एंटीऑक्सीडेंट और फ्लेवोनॉइड्स से भरपूर सब्जा के बीज स्किन को कोमल बनाए रखते हैं, झुर्रियों और फाइन लाइंस को कम करते हैं, और ये स्किन इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए भी जाने जाते हैं। ये बीज बालों को हेल्दी बनाए रखने में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं, क्योंकि ये बीज आयरन, विटामिन के और प्रोटीन से भरपूर होते हैं। इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट भी आपके बालों और स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। और तीसरा है कि सब्जा के सीड्स ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं। सब्जा के बीजों को टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीजों के लिए अच्छा माना जाता है, क्योंकि सब्जा के बीजों का ग्लाइकेमिक इंडेक्स मीडियम होता है और इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर होता है, जो कि डायबिटीज़ के मरीजों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। और अगला है कि सब्जा के बीज मेंस्ट्रुअल क्रैम्प को कम करते हैं और मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलर करने में भी हेल्प करते हैं। और अगला है कब्ज और ब्लोटिंग। सब्जा के बीज मल त्याग यानी कि बाउल मूवमेंट के प्रोसेस को कंट्रोल करके
शरीर को नेचुरली डिटॉक्सिफाई करते हैं। इनमें एक वोलेटाइल ऑयल होता है जो कि आपके गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक से गैस को दूर करने में हेल्प करता है और पेट को साफ करने का काम करता है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या है तो एक हफ्ते तक या फिर कुछ दिनों तक एक चम्मच सब्जा सीड्स एक ग्लास दूध में या फिर एक ग्लास पानी में मिक्स करके रात में सोने से पहले पिए। इससे आप देखेंगे कि कुछ दिनों में ही आपका पेट साफ होने लगा है। और अगला है कि सब्जा सीड्स एसिडिटी और हार्ट बर्न से राहत दिलाते हैं। सब्जा के बीज शरीर में HCL के एसिडिटिक इफेक्ट को बेअसर करने में हेल्प करते हैं, जिससे एसिडिटी और सीने में जलन से राहत मिल सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम बीजों को पानी में भिगोकर इसका सेवन करते हैं। पानी की मात्रा पेट की सतह को ठंडा करने में हेल्प करता है, जिससे आपको जलन से राहत मिलती है। और अगला है कि सब्जा के बीज थायराइड ग्लैंड को अच्छे से काम करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि इन बीजों में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो कि अच्छे मेटाबॉलिज्म को बनाए रखता है, जिससे कि थायराइड ग्लैंड अच्छे से काम कर सके। और अगला है कि सब्जा के बीज सर्दी और खांसी को कम करने में हेल्प करते हैं। ये काली खांसी को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं और हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करते हैं, जिससे कि सर्दी और खांसी की समस्या नहीं होती है। और अगला है कि जिन्हें ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या है उनके लिए ये बीज काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। ये हड्डियों को मजबूत बनाता है और घुटने के दर्द में राहत दिलाता है। इन बीजों में एंटी स्पास्मोडिक यानी कि मरोड़ संबंधी गुण होते हैं, जो कि ऐठन और मरोड़ वाली मांसपेशियों को शांत करते हैं और उन्हें आराम देते हैं। और अगला है कि ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में हेल्प करता है, यानी कि LDL यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प करता है। ये हार्ट के स्ट्रेस को कम करने में हेल्प करता है, जिससे कि दिल के दौरे और स्ट्रोक की संभावना को भी कम करने में हेल्प करता है। और ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है। गर्मियों में सब्जा सीड्स का इस्तेमाल करने से आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि ये शरीर में बढ़ी हुई गर्मी को कम करता है और आपके बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है, जिससे गर्मियों में अगर लू लग जाती है या फिर शरीर में गर्मी बढ़ जाती है तो उसमें ये आराम देता है। तो सब्जा सीड्स का इस्तेमाल करना कैसे है? तो जो ये सब्जा सीड्स है इसे आप किसी भी समय खा सकते हैं। इसे खाने के लिए या पीने के लिए कोई भी हार्ड रूल आपको फॉलो नहीं करना है, लेकिन अगर आप इसे सुबह के नाश्ते में खाने में या पीने में इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो आपको एक बड़ा चम्मच सब्जा सीड्स एक ग्लास पानी में भिगोना है। आप इसे नॉर्मल पानी में भी भिगो सकते हैं और हल्के गुनगुने पानी में भिगो सकते हैं, और 15 से 20 मिनट में ये फूल जाएगा। फिर आप इसे डायरेक्टली ड्रिंक कर सकते हैं। और इसे भिगोते समय ध्यान दें कि आपको पानी की क्वांटिटी ज़्यादा रखनी है, क्योंकि ये भीगने के बाद बहुत ज़्यादा फूल जाते हैं। अगर आप इसे कम पानी में भिगोते हैं तो ये भीगने के बाद बहुत ज़्यादा फूल जाएंगे, और इसके बाद अगर आप इसका सेवन करते हैं तो ये आपके गले में अटक सकता है। इसके लिए जब भी आप इसका सेवन करें तो इसे ज़्यादा पानी में भिगोएं। इसके अलावा आप इसे सलाद में भी डालकर खा सकते हैं और सूप और स्मूदी में भी मिलाकर खा सकते हैं। आप इसे शेक या जूस में भी मिलाकर पी सकते हैं। आप इसे लेमन जूस और नारियल पानी में भी मिक्स करके पी सकते हैं और छाछ में भी मिक्स करके इसे पी सकते हैं। इसके अलावा इसे बहुत से खाने और पीने के तरीके होते हैं। बहुत से लोग इन्हें स्वीट डिश में डालकर खाना पसंद करते हैं, जैसे कि खीर, तो खीर में भी मिक्स करके आप इसे खा सकते हैं। यह आपके हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद तो होता ही है, इसके साथ साथ ही आपके खाने के स्वाद को भी बढ़ाता है। ये सुपर फूड होता है, इसके लिए दिन भर एनर्जी से भरपूर रहने के लिए, स्ट्रेस से दूर रहने के लिए और दिन भर एक्टिव रहने के लिए मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में इसे ज़रूर खाएं। और सब्जा सीड्स को अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग समय पर खाया जा सकता है। सब्जा सीड्स खाने के बाद आपको क्या नहीं खाना है या क्या नहीं पीना है, इसका आयुर्वेद में कम नियम ही बताया गया है। लेकिन जब आप सब्जा सीड्स खाते हैं तो तुरंत पानी न पिए, क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है। तो अगर आप पानी पीते हैं तो आपको सर्दी जुकाम या फिर गले में खराश चुभन की समस्या हो सकती है। ये सीड खाने के बाद आपको तुरंत कोई गर्म चीज़ नहीं खानी है। अगर आप वो खाते हैं तो उससे आपके सिर में दर्द महसूस हो सकता है। और सब्जा सीड्स खाने के बाद आपको आधे घंटे तक कुछ नहीं खाना पीना है।
जिससे कि आपका शरीर इसके न्यूट्रिशंस को अच्छे से अब्सॉर्ब कर सके। तो सब्जा सीड्स के साइड इफेक्ट की बात करें तो अगर आप किसी भी चीज़ को लिमिट में खाते या पीते हैं तो उससे आपको फ़ायदा ही होता है, उससे आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। अगर किसी भी चीज़ को आप बहुत ज़्यादा खाते या पीते हैं तो उससे कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, इसलिए जितनी क्वांटिटी बताई गई हो और जितने समय के लिए बताई गई हो उतना ही खाएं तो उससे आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। सब्जा के बीजों को खाते समय कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए क्योंकि ये दूसरे मेडिसिन्स के साथ रिएक्ट कर सकता है। वैसे तो इन बीजों का कोई खतरा नहीं है और सभी लोग इसका सेवन करते हैं, लेकिन मेरा आपको सुझाव है कि इसे खाने से पहले आप डॉक्टर या फिर न्यूट्रिशनिस्ट से सलाह लें। और अगर आपको सब्जा सीड्स खाने के बाद डायरिया यानी कि दस्त की समस्या होती है, उल्टी होती है, जी मचलने की समस्या होती है, मुहासे आते हैं, एसिड रिफ्लेक्शन की समस्या होती है या फिर सिर दर्द, पेट की परेशानी, भूख न लगना, तो अगर आपको ये सारी समस्या होती है तो आप इसका सेवन न करें। और ज़्यादा सेवन करने से कुछ लोगों को लो ब्लड शुगर, हाइपोग्लाइसीमिया की समस्या होती है, तो इसका ज़्यादा सेवन न करें। और किन लोगों को सब्जा सीड्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? ज़्यादातर हेल्थ केयर प्रोवाइडर महिलाओं और बच्चों को सब्जा सीड्स का इस्तेमाल करने से मना करते हैं, क्योंकि अगर इन बीजों को पानी में अच्छे से नहीं भिगोया जाता है तो इससे ये गले में फंस सकते हैं। माना जाता है कि सब्जा सीड्स बॉडी में एस्ट्रोजन लेवल को कम करते हैं, इसके लिए प्रेग्नेंट महिलाओं को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। और अगर आप हाल ही में किसी सर्जरी से गुजरे हैं या फिर घायल हुए हैं तो सब्जा के तेल और अर्क का आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका सेवन ब्लड क्लॉटिंग यानी कि खून जमने को कम कर सकता है। और अगर आपकी कोई सर्जरी होने वाली है तो सर्जरी होने से 1 से 2 हफ्ते पहले ही आपको सब्जा सीड्स का इस्तेमाल करना बंद कर देना चाहिए। और जिन्हें थायराइड की समस्या है वो सब्जा सीड्स का इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर की सलाह लें। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने हमेशा से कहा है, आज भी कहूँगी कि कोई भी मेडिसिन या फिर कोई भी चीज़ आप खुद ले या फिर बच्चों को दे, उससे पहले आप अपने डॉक्टर की सलाह ले, डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके बाद ही आप कोई भी मेडिसिन या कोई भी चीज़ खुद ले या फिर बच्चों को दे। तो आज का मेरा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसी के साथ मेरा वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।